हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, अभी दोपहर हो गई है। दोपहर क्या, 2 बज गए हैं, क्योंकि सुबह से भोग प्रसाद बनाने में लगी थी। मुझे नहीं पता रात में दिव्यशक परेशान करेगी, क्या करेगी, तो मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ। तो मेरे भोग प्रसाद बन गई है। ये बन गया है हमारा गुड़, ये है हमारी पंजीरी, और वो दही लेके आएंगे, और मैं रात का भी खाना तैयार कर रही हूँ अभी से। ये है भिंडी, और इसमें है, मैं बनाऊंगी अभी क्या कहते हैं, चुकंदर और आलू की टिक्की, क्योंकि हमारा और अनु का दोनों का फास्ट है आज, तो हम लोग यही खा लेंगे। और बच्चे सुबह गए थे स्कूल, तो बच्चे ले गए हैं गोभी का पराठा। तो मेरी साफ सफाइयाँ तो हो गई हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाड़ू पोछा आज मैं सुबह से काम में ही लगी थी। अदरवाइज बच्चे आते हैं उसके बाद मैं काम करती हूँ, दिविशा को देखती हूँ। लेकिन दिविशा आज अच्छा हुआ, सुबह सुबह उठ गई थी, और फिर ना वो 9 बजे सो गई, 9 बजे से वो अभी 12 बजे उठी। मतलब मेरा सारा काम हो गया, नहाना वगैरह तो स्कूल जाने से पहले ही, बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही हो गया था। तो आज मैं अभी फ्री हो गई हूँ, और शाम को मैं बिल्कुल अच्छे से फ्री हो जाऊँगी जन्माष्टमी मनाने के लिए। अदरवाइज थोड़ा हौच पौच हो जाता है। तो आज मैं खुश हूँ यार, सच में खुश हूँ। मतलब बहुत दिन बाद मेरे सारे काम टाइमली हो गए हैं। आप सुबह तक देखते ना, पूरा ये भरा हुआ था एरिया, इतने ये वाला एरिया ना, इतने सारे कपड़े थे, इतने सारे कपड़े थे वो मैंने फोल्ड किए। अच्छा हुआ कि आज दिविशा टाइम से सो गई, अदरवाइज मैं पूरे टाइम सोचती रहती हूँ कि दिविशा सोएगी फिर मैं काम करूँगी। तो यही सोचते सोचते ना दोपहर को जब मैं उसको लेटाती हूँ ना, तो मैं खुद थक जाती हूँ, फिर मेरा कुछ भी करने का ऐसा मन नहीं करता कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर लूँ। तो हाँ, आज मैं हैप्पी हैप्पी हूँ। चलिए इसी हैप्पी हैप्पीनेस के साथ अभी मैं अपने और सारे काम निपटा लेती हूँ। हालांकि मैंने कोई कपड़े वपड़े वैसे साड़ी वाड़ी नहीं पहनी है, टाइम तो है मेरे पास, तो अगर शाम को टाइम मिला तो मैं साड़ी पहन के आज बढ़िया से अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊंगी। और जन्माष्टमी पे हम हमेशा व्रत रहते हैं, मतलब जन्माष्टमी का व्रत हुआ, शिवरात्रि का हुआ, ये कुछ 2-4 व्रत ऐसे हैं जो हम लोग रहते हैं। छोड़िए ये सारी बातें, आप लोग बताइए आप लोग के घर में जन्माष्टमी की क्या तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि मुझे अपने बचपन की याद है ना, हम लोग झांकी बनाते थे घर में, खूब साड़ी वाड़ी लगा के, दीदी के जो दुपट्टे होते थे ना वो बना के, फिर जो रुई होती थी ना, रुई से पहाड़ बनाते थे, और बहुत सुंदर सुंदर सजाते थे। सच में मतलब एक अलमारी होती थी हमारी भगवान जी की, वो अलमारी बहुत अच्छे सजाते थे। तो मेरे घर में ना ऐसा कोई मंदिर जैसा नहीं था कि आजकल वो जैसे होते हैं ना मंदिर, की हर घर में एक मंदिर होता है। मेरे घर में जो अलमारी थी वो ही मेरे मंदिर था, उसमें ही मंदिर मतलब भगवान जी को रखा गया था, तो वो एरिया मंदिर का था, और हम लोग उसी एरिया को सजाते थे कि हाँ ये हमारा मंदिर है। आज मैं सुबह अनु से मतलब चाय पी रही थी, तब मैं बोल भी रही थी ना कि अनु कितनी चीज़ें चेंज हो गई है ना, कि आज लोगों के पास मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन उतना एक्साइटमेंट नहीं है चीज़ों को लेके, कि जन्माष्टमी है तो हम उतने धूमधाम से चीज़ें कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रह गई हैं पीछे, जैसे इतनी सारी सुविधाएँ हो गई ना अभी, मैं क्या बोलूँ। मतलब पहले जब मेरे घर में होता था ना, गुड़ बनता था या कुछ है ना, तो एक अलग ही उसका वो होता था कि अरे गुड़ बन रहा है, मम्मी जन्माष्टमी को मम्मी गुड़ बनाएगी, हम लोग खाएंगे, पंजीरी बनाएगी। वो पंजीरी इतने टेस्ट से खाते थे हम लोग, ओहो मैं बता ही नहीं सकती कितना मन करता था, बस कैसे भी 8 बज जाए। हम लोग 8 बजे पूजा करते थे वहाँ पे, और रात को 12 बजे, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होता था, तो 12 बजे नहीं करते थे, रात को 8 बजे करते थे। बस कैसे भी वो पूजा हो जाए, वो पंजीरी और वो चरणामृत, वो दही वाला और गुड़ मिल जाए, मतलब उसकी स्मेल और वो उसकी खाने की ना, वो एक प्रसाद के प्रसाद लेना है, वो अलग ही बात थी। मतलब मैं आज बना रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन वो इतना ललक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सच में मतलब पता नहीं क्यों नहीं है, क्या है, या अब चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं। उस समय आज भी जो लोग इतने लोग जो लोग ऐसे हैं ना जिनको नहीं मिलता है, उनको आज भी होगा कि यार
कुछ कुछ घरों में होता होगा ना कि अरे आज हम बनाएंगे, उनके पास उतना नहीं है या कि मतलब कर सकते हैं, जो चीज़ हमने पहले फील की थी सच में, मतलब लगता था कुछ भी आता था लगता था कि बस कैसे भी मिल जाए, उस चीज़ का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता था, और आज मिल रहा है लेकिन उसमें उतना टेस्ट नहीं है ना। हाँ मैं तो ऐसा फील करती हूँ, आप लोग करते हैं नहीं करते आई डोंट नो, पहले की बात अलग थी। मेरी शैलजा कभी कभी कहती है मम्मी वो हो जाती है क्या कहते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाती है अपनी पुरानी बातें कर करके। लेकिन भाई इसको इमोशंस कह सकते हैं, इमोशनल नहीं कह सकते कि आपके इमोशंस बाहर आ जाते हैं पुरानी बातें सोच के। हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम लोगों का फास्ट है और खाने के लिए लंच के लिए तैयार की गई है ये टिक्की, आलू चुकंदर, आलू चुकंदर की टिक्की है, ये दही है शहद दही वाला, विधानी। दही विधानी, वाह क्या लग रहा है, शहद जा नहीं रहा था। अच्छा, और ये गुड़ है और काफी टेस्टी है, स्पेशली जन्माष्टमी के दिन तो बनाया ही जाता है। हाँ जी सुबह हम लोगों ने गुड़ खाया था और अभी लंच में टिक्की ऐड होगी, वो दही भी। इस दही को ना आइस से मिलाते हैं, इसको ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे डालते हैं। अचानक से एक दिन मैंने बनाया, मेरे पास बहुत सारे चुकंदर थे, दही था, चटनी के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने कहा दही और शहद मिला के, क्योंकि ओनू चीनी तो खाते नहीं है, इनकी वजह से ही इनोवेशन हो गया। वाह 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 वाह, से थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब हम खाते हैं। यहाँ पे ना मेरे पास लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है वो नहीं है, तो मैं सब कुछ जो हवन होता है उसमें अर्पित करूँगी, और हमने छोटी सी लड्डू गोपाल की एक तस्वीर निकाली है, उसको पेस्ट किया है। हमारा मंदिर बहुत छोटा सा है, तो अब हम करते हैं उनका जन्मदिन, खीरे को कट करेंगे और मनाएंगे उनका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कान्हा। मैंने ये मिट्टी का दिया लिया है, इसी में मैंने कपूर और लौंग की बाती जलाई है, और बाद में इसी में मैं अभी हवन करूंगी और सभी कुछ लड्डू गोपाल को इसी में अर्पित करूंगी। मेरा छोटा सा मंदिर है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मैं आपके मनों को भाव मन के भावों को देखता हूँ, आपकी जगह को नहीं देखता। और आज तो दिविशा भी 11:30 बजे सो गई, जैसे सभी लोग मेरी परीक्षा ही ले रहे थे आज। लेकिन जैसे हुआ मैंने किया, और इसी के साथ सभी को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोगों ने कैसे मनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। सभी को फिर से हैप्पी जन्माष्टमी, और मैंने पूजा कर ली अपनी, हालांकि सब लोग सो गए हैं, सिर्फ मैं और अनु जाग रहे हैं, इसलिए बिल्कुल साइलेंटली पूजा की है, क्योंकि बच्चे सो गए हैं, बच्चों का सुबह स्कूल है, यहाँ पे छुट्टी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। बच्चों को जल्दी से खाना खिला के सुला दिया था, दिविशा भी सो गई है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ, और घंटी भी मैंने बस धीरे से बजाई, इसीलिए मैंने पूजा जब रिकॉर्ड किया तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि दिविशा उसी कमरे में सो रही थी, तो भगवान जी को जैसा चाहिए वैसे कर रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के रूप में भी भगवान ही होते हैं, है ही जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी की, तो बच्चों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। तो भाई इसी के साथ अब मैं अपना व्रत खोलूँगी और हम लोग खाना खाएंगे, अभी हमने खाना नहीं खाया है, 12:30 होने जा रहा है। तो चलिए सबको फिर से एक बार हैप्पी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, आप सबके लिए बहुत सुखद हो। गुड नाइट।